नमस्कार, विवार्ता में आपका स्वागत है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह को लेकर भाजपा और सरकार दोनों ही बचाव की मुद्रा में है। विवार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, क्या सरकार के मंत्रियों को भाजपा अध्यक्ष के बेटे का बचाव करना चाहिए? देखिए, ये एक ऐसी घटना है जिसकी परिभाषा मुझे लगता है कि जो मूर्धन्य पत्रकार संपादक स्वर्गीय राजेंद्र माथुर, जिनका हिंदी पत्रकारिता में एक बड़ा नाम है, बड़े हस्ताक्षर हैं, उन्होंने अपने एक संपादकीय में लिखा था कि कांग्रेस किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं है, कांग्रेस एक फिनोमिना है, एक प्रक्रिया है, और जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वो अंततः कांग्रेस हो जाएगी। ये जो घटना हुई है ये उसी को परिभाषित करती है, और ये पता लगता है कि कितनी दूरदृष्टि थी भारतीय राजनीति को लेकर हमारे जो वरिष्ठ संपादक रहे हैं और बहुत आदरणीय हैं राजेंद्र माथुर जी। रज्जू बाबू ने मुझे लगता है ठीक ही लिखा था, क्योंकि हमने वो समय देखा है जब पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस और गांधी परिवार पर लगातार आक्रमण करती थी, और रॉबर्ट वाड्रा पर वो लगातार आक्रमण करते रहे हैं, और उसमें सच झूठ में हम तथ्यों में नहीं जा रहे हैं। और जब रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में कांग्रेस आती थी तो उस पर जिस तरह के आक्रमण भारतीय जनता पार्टी ने किए, उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम अब ये देखें कि अगर अमित शाह के बेटे हैं जय शाह और उन पर आरोप लगे हैं, और एक वेबसाइट है द वायर, उसने एक रिपोर्ट छापी है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से तथ्य लेकर ही उन्होंने वो तथ्य सामने रखे हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं था कि वो तथ्य जनता में नहीं थे और उनके सच झूठ में गए बगैर। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पूरी की पूरी सरकार बचाव की मुद्रा में नजर आई, वो निश्चित ही इन पंक्तियों को सही साबित करता है कि जब आप सत्ता में आते हैं तो आप भी वैसे ही हो जाते हैं जब आप सत्ता के विरोध में सत्ता की निंदा करते थे या सत्ता को बुरा कहते थे, लेकिन सत्ता में आते ही आप भी उसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं, और जो कि गलत है। जयदीप जी, भाजपा के ही नेता यशवंत सिन्हा का कहना है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के मामले में सरकार नैतिक अधिकार खो चुकी है। यशवंत सिन्हा जी निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी बड़े क्षुब्ध हैं, और अभी उन्होंने नोटबंदी को लेकर और जीएसटी को लागू किए जाने को लेकर, चूंकि वो वित्त मंत्री जैसे अहम पद पर रहे हैं और उनके खुद के अपने सुपुत्र से भी सैद्धांतिक विरोध इस बातों को लेकर हो गया है, उसी कड़ी में उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर भी आरोप लगाए हैं। देखिए, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं, ये साबित नहीं हुआ है। एक कंपनी है, उस कंपनी की रिपोर्ट ये बताती है कि वो 50,000 रुपए से अचानक 80 करोड़ पे पहुंच गई, और वो लोन वगैरह लेके पहुंची, और वो लोन सही तरीके से लिया गया कि नहीं लिया गया, क्या उस लोन को देने में किसी तरह की अनियमितता की गई, ये सारी अभी जांच के दायरे में है। और इसीलिए इस पूरे मामले को लेकर 100 करोड़ रुपए का बड़ा बहुचर्चित मानहानि का दावा भी किया जा चुका है। अभी हम बात इस पर नहीं कर रहे हैं कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उसमें बहुत सारे विरोधाभास रिपोर्ट के भीतर भी हैं और तमाम पत्रकारों ने उनको इंगित भी किया है। बात यह है कि इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के साथ ही साथ देश के बहुत प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व हैं और बहुत ताकतवर हैं, और पूरी की पूरी सरकार, राज्यों की सरकार और सबको संचालित करने में, अपना कोई भी काम करवाने या रुकवाने में पूरी शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं। क्या उस शक्ति और सामर्थ्य का, क्योंकि ये 2014 से 2016 के बीच की बात है और यही वो काल है जब मोदी सरकार अस्तित्व में रही है, तो उंगलियां उठना स्वाभाविक है, और उसका जवाब अगर आपने गलती नहीं की है तो उसके देने के तरीके हैं। जो जय शाह है, अगर वो एक उद्योगपति के रूप में इस पूरे मामले में जांच के घेरे में है तो उद्योगपति के रूप में ही उनके पास कानूनी अधिकार है। अगर वो सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया फिर भी उनकी मानहानि की गई तो उनको दावा करने का भी अधिकार है, लेकिन इसमें सरकार शामिल हो जाए, सरकार पूरी की पूरी बचाव में आ जाए, अमित शाह खुद भी अगर कहते हैं तो सही बात है, उनके बेटे पर आरोप लगे हैं, उनके पद को और उनके व्यक्तित्व के दुरुपयोग की बात इसमें सामने आई, तो अमित शाह को भी सफाई देनी चाहिए, लेकिन अगर मंत्री सरकार के अगर इसके बचाव में सामने आ जाते हैं तो निश्चित ही सरकार कहीं ना कहीं इसमें बैकफुट पर नजर आती है, और इस घटना के सच झूठ से परे जाकर भारतीय जनता पार्टी, और उसी का उपयोग यशवंत सिन्हा ने यह कहने में किया कि जीरो टॉलरेंस पर सरकार अपना नैतिक अधिकार खो चुकी है। यह मामला गुजरात विधानसभा चुनाव और हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले सामने आया है, ऐसे में क्या लगता है कि भाजपा को इन चुनावों में नुकसान हो सकता है? हो भी सकता है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इसकी सफाई तथ्यों के साथ कितनी जल्दी और किस तरीके से दी जाती है। कोर्ट की लड़ाइयाँ अक्सर लंबी होती हैं, कोर्ट से फैसला हो सकता है, चूंकि बहुचर्चित मामला है, बड़ी शख्सियत से जुड़ा मामला है, तो कोर्ट का फैसला जल्दी आ जाए, लेकिन अगर कोर्ट का फैसला आने में देरी होती है तो जय शाह को और अमित शाह को कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि पूरे पारदर्शी तरीके से इस मामले से जुड़े हुए तथ्य जनता के सामने आए, और अगर वो मानते हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ऐसे देखा जाए तो रॉबर्ट वाड्रा पर इतने आरोप आपने लगाए थे, अब आप सरकार में हैं, क्या रॉबर्ट वाड्रा जेल के सीखचों के पीछे गए हैं?
आपने दिल्ली की सरकार पर इतने आरोप लगाए थे, क्या शीला दीक्षित जेल की सीखचों के पीछे गई है? न अरविंद केजरीवाल न नरेंद्र मोदी दोनों ने ही मिलकर कांग्रेस की सरकार पर बहुत हमले किए थे, शीला दीक्षित पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कॉमनवेल्थ घोटाले को लेकर हुई, न दूसरे अन्य घोटाले, मेट्रो जितने घोटालों की आपने बात की, ऐसे ही आपने कांग्रेस में रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी पर जितने भी आरोप लगाए थे उसके बावजूद अब आपकी सरकार का तो कार्यकाल ही पूरा हो चला है, आपने कार्रवाई तक शुरू नहीं की है। तो केवल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए या राजनीतिक लाभ हानि के लिए आरोप लगाना और फिर उस पे पीछे हट जाना, ये निश्चित ही अच्छी राजनीतिक संस्कार नहीं है, खासतौर पर वो जो कहते हैं कि हम पार्टी विथ अ डिफरेंस हैं, हम एक अलग पार्टी हैं, अलग सिद्धांत हैं, अलग नजरिया है, अलग सोच है, और उसी अलग सोच को मौका देने के लिए जनता ने इतना प्रचंड बहुमत आपको दिया है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रभाव तो इस घटना का पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी उद्योगपति से जुड़ी हुई घटना भर है, ये राजनीतिक दृष्टि इसकी है, इसमें राजनीतिक जो भी अंतर्विरोध हैं वो हैं, और उसका कितना उपयोग गुजरात या हिमाचल प्रदेश के चुनावों में या उसके आगे भी होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि 50,000 से 80 करोड़ की जो कहानी है वो कितनी पारदर्शिता से लोगों के सामने लाई जाती है। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे अमित शाह के बेटे जय शाह की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे, नमस्कार।